नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सरकारी बंगले को लेके सियासत तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो जुबानी तीर है वो एक दूसरे के ऊपर चलाई जा रही है। और इस पूरे मामले में अब उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं राम नाईक, वो कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने चिट्ठी लिखा है उत्तर प्रदेश के सीएम यानी योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा है कि ये जिस बंगले की हालत ये हुई है, ये बंगले की देखरेख जनता के पैसे से यानी टैक्स पेयर्स जो हैं उनके पैसे से की जाती है, और जिसने भी इसकी हालत तोड़फोड़ वाली की है उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये निर्देश दिए हैं योगी आदित्यनाथ को राज्यपाल राम नाईक ने। पूरा मामला हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बंगला खाली किया था। बंगला खाली करने के बाद उन्होंने बंगले की एसी के बोर्ड, एसी सब कुछ निकलवा लिया था, यहाँ तक कि टाइल्स भी निकलवा लिया। और जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो गर्म हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं आरोप के। और अब राज्यपाल भी इस मामले में कूदते हुए नजर आए, अपना संज्ञान लिया है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि वो पूरे इस मामले पे अपनी सफाई रखेंगे, अपनी बात कहेंगे। उन्होंने सरकार के किसी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं किया है, अगर नुकसान किया है तो उसकी लिस्ट दे दी जाए, वो उसकी भरपाई करेंगे। अखिलेश यादव राम नाईक की चिट्ठी के बाद पूरे मामले पर जो है वो बोले कि आज बयान देंगे, अपनी सफाई देंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो इस खबर पे हमारी टीम लगातार बनी हुई है, क्या अपडेट आता है, अब अखिलेश यादव अपनी सफाई में क्या कहते हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें भी हम आप तक समय दर समय पहुंचाते रहेंगे। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।